क्लास 12th एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x सीकेंट 2x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, dx में लगा देते हैं। नाउ 10 क्यूब 2x को हम 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x लिख लेते हैं और सीकेंट 2x एज इट इज dx। नाउ 10 स्क्वायर 2x का फॉर्मूला होता है एक 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये 1 उधर भेजेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं 10 स्क्वायर 2x की जगह, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर 2x, थीटा की जगह इसमें 2x है तो 2x लेंगे, और माइनस 1 इंटू 10 2x सीकेंट 2x dx। नाउ अब इसमें अगर हम इस सीकेंट 2x को t माने, लेट सीकेंट 2x इक्वल टू t, तो सीकेंट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सीकेंट x टेंजेंट x, तो सीकेंट 2x का हो जाएगा सीकेंट 2x tan 2x और इंटू में 2x का डिफरेंशिएशन जो कि 2 होता है तो आगे लगा देते हैं उसको, और dx इक्वल टू dt, ये हमने इसे डिफरेंशिएट कराया है। अब अगर देखें तो यहाँ tan 2x secant 2x और dx ये टर्म है, तो इस 2 को यहाँ से हटाकर dt के अपॉन में भेज देते हैं, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी dt by 2 और इसमें secant 2x की जगह हम t पुट करा देते हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और ये पूरी टर्म डी टी बाई 2, तो डी टी यहाँ लिख लेते हैं और जो बाय 2 है उसे शुरू में 1 बाई 2 लिख देते हैं। नाउ इसका इंटीग्रेशन कराते हैं, तो 1 बाई 2 एज इट इज, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाय 3 और माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी प्लस में सी। तो अब t की जो वैल्यू है इसमें पुट करा देते हैं, तो ये हो जाएगा t की जगह सीकेंट 2x और उसका क्यूब है तो क्यूब लिख देते हैं और अपॉन में ये 2 से मल्टीप्लाई भी करा देते तो 2 3 जा अपॉन में 6 आ जाएगा, और माइनस यहाँ भी t की वैल्यू सीकेंट 2x और अपॉन में इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है तो 2 इंटू 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा और प्लस में c, ये हमारा आंसर है।